Hello everyone. Now today is your new content, Paralympics. Paralympics यानी वो disabled persons जो कि normal लोग के साथ, normal लोग के जैसे नहीं होते, उनमें किसी न किसी तरीके की disability होती है, चाहे वो intellectual disability हो, चाहे वो उनके अंदर cognitive disability हो, यानी कैसे भी disability हो, deaf हो, ठीक है, विजन से इम्पेयरमेंट हो, ऐसे कोई भी डिसेबिलिटी हो या सेंसरी इम्पेयरमेंट हो उनके अंदर, तो ऐसे लोग के लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इन लोग के लिए भी स्पोर्टिंग इवेंट्स बनाए थे. स्पोर्टिंग इवेंट्स में इनके लिए भी एक ऐसा लेवल दिया था जो नॉर्मल लोग के लिए होता है, नॉर्मल्स के लिए जैसे ओलंपिक्स होता है, वैसे ही इनके लिए पैरालंपिक्स होता है. तो पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स फॉर एथलीट विद इम्पेयरमेंट has existed for more than 100 years and the first sports clubs for the deaf were already in existence in 1888. यानी अगर देखा जाए ये जो ये भी लोग जो हैं जो संसार में रह रहे हैं जैसे हम हैं वैसे ये लोग हैं जो जिस तरह सांस ले रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, इस हवा को महसूस कर रहे हैं, इसी तरह ये लोग भी हैं, इन सभी चीज़ों को महसूस करते हैं. तो इनका भी जो बहुत समय से सोचा जा रहा था कि इन लोग के लिए भी कुछ ऐसा हो जिससे ये नॉर्मल लोग की तरह जो हैं अब गेम्स खेलें, लेकिन इनके लिए लोग ये सोचते थे कैसे गेम्स खेलेंगे, ये तो चल ही नहीं पाते, इनके तो हाथ नहीं है, इनके तो पैर नहीं है, इनका तो शरीर काम नहीं करता है. लेकिन ऐसा नहीं है, इनके लिए भी कैटेगरी बनाएगी, अगर हाथ नहीं है तो पैर से वाली पैर वाली चीज़ों का यूज़ करें, पैर नहीं है तो हाथ से हाथ के का यूज़ करें, ठीक है. इस तरीके से इनके धीरे धीरे ऐसी कई कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद ये 1888 में बर्लिन में ये चीज़ पास हुई. पैरालंपिक गेम्स इज़ अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट. ये पैरालंपिक गेम्स है ये बताया गया मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इसमें होते हैं, इन्वॉल्विंग एथलीट विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़. इन्वॉल्व करते हैं ढेर सारे, बहुत सारे एथलीट जिसमें कई रेंज होती हैं डिसेबिलिटीज़ की, इंक्लूडिंग इम्पेयर्ड मसल पावर, जो कि साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें इंक्लूड रखा जाता है ऐसे जिनके मसल पावर नहीं है. अब खेल में मसल पावर नहीं होगी तो खेल कैसे खेलेंगे, है ऐसे भी उनके लिए गेम्स हैं जिसमें ज़्यादा अगर उनके मसल पावर नहीं है तब भी उनके लिए गेम्स है. उस नॉर्मल से कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किए जाते हैं और इनके लिए भी गेम्स तैयार किए जाते हैं. मसल एग्जाम्पल जैसे पैराप्लेगिया है, तो पैराप्लेगिया जो है वो इज़ द लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी ये ऐसा पैराप्लेगिया भी एक डिसेबिलिटी है जिसमें लॉस ऑफ सेंसेशन रहता है. लेग्स पार्ट जो ट्रंक के नीचे का एरिया होता है वो हमारा जो होता है काम नहीं करता, उसमें सेंसेशन नहीं रहता, वो पैराप्लेगिया होता है. उसके बाद आता है पैराप्लेगिया एंड क्वाड्रप्लेगिया. क्वाड्रप्लेगिया जो होता है उसको टेट्राप्लेगिया भी बोला जाता है. क्वाड्रप्लेगिया को ही टेट्राप्लेगिया भी बोला जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राप्लेगिया. इज द पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स, ये पैरालाइज होते हैं ऑल फोर लिम्स इंक्लूडेड, मतलब नेक के नीचे का हिस्सा जो होता है वो पूरा, ये चारों हमारे जो लिम्स हैं वो पूरे हमारे, वो किसी इंजरी के कारण भी हो सकते हैं, वो पूरे जो होते हैं वो पूरे पैरालाइसिस होते हैं. क्वाड्रप्लेगिया. देन मस्कुलर डायस्ट्रोफी. मस्कुलर डायस्ट्रोफी होता है ग्रुप ऑफ मसल्स जो होती हैं, मतलब जो मसल मास होता है वो उनके अंदर ज़्यादा नहीं रहता है, इसे मसल डायस्ट्रोफी कहते हैं. पोस्ट पोलियो सिंड्रोम. पोस्ट पोलियो सिंड्रोम सभी जानते हैं, ये एक ऐसी बीमारी रही है पोलियो से संबंधित जो जन्म से ही मिल जाती है लोगों को, वो उस जिसमें शरीर का कोई भी अंग जो होता है वो इससे जो होता है उस अंग की समझिए एक तरीके से क्षति हो जाती है, वो काम नहीं करता, वो होता है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम. मसल बायफीडा. मसल बायफीडा जो होता है जो बर्थ में बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो हमारी स्पाइन के बीच से जाती है, सेलिवेलम से जुड़ी हुई जो अंदर से बीच से जाती है, वो बाय बर्थ जो होती है वो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, उसे स्पाइन बायफीडा कहते हैं. इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट. और भी कई इम्पेयर्ड होते हैं पैसिव रेंज के मूवमेंट्स के, जिसमें कभी एक ये पैर, कभी आधा पैर, कभी ये हाथ, कभी थोड़ा सा हाथ, इसमें कई तरीके के बहुत कई चीज़ें होती है. अगर हमारा इतना हाथ नहीं काम कर रहा पूरा कर रहा है, इतना नहीं कर रहा पूरा तो
तो इतना हिस्सा कर रहा है, ह्यूमरस वाला एरिया नी तक। तो इसमें कई ऐसे इम्पेयरमेंट है रेंज की जो सही से काम नहीं करती है। लिम डिफिशियंसी, लिम यानी कोई भी लिम की डिफिशियंसी हो सकती है, हमारे अपर लिम की डिफिशियंसी हो सकती है, लोअर लिम की डिफिशियंसी हो सकती है। एग्जांपल एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन यानी अगर देखा जाए तो अंग विच्छेदन, जिसे किसी भी तरीके के हमारे अंग का विच्छेदन हुआ हो वो होता है एम्प्यूटेशन आपका। और डाइसमिलिया, डाइसमिलिया जो होता है मिसिंग किसी चीज़ की या किसी चीज़ की शॉर्टनिंग या कोई चीज़ एक्स्ट्रा, यानी बच्चा पैदा हुआ या तो उसके पैर नहीं हैं, हैं तो आधे हैं, या तो उसके पैर हैं दोनों साथ साथ एक दो पैर और आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा, या कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो वो उसकी छोटा बड़ा हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी, वो डिसमिलिया होता है। लेग लेंथ डिफरेंस, लेग लेंथ डिफरेंस में एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, इस तरीके का लेग के लेंथ में डिफरेंस हो जाता है। शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर यानी बिलो एवरेज टू द हाइट, यानी जो हाइट होती है वो बहुत ही छोटी रह जाती है, यानी एवरेज हाइट अगर बोली जाए जो बढ़ती भी है लोग की, उससे भी बहुत छोटी वो हाइट हो जाती है, वो होता है आपका शॉर्ट स्टेचर। उसके बाद आता है हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया जो होता है वो एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ मसल, ठीक है, मसल मास जो होता है वो बहुत लो लेवल का होता है, वो ज़्यादा अच्छे लेवल का मसल मास नहीं होता उनकी बॉडी में, वो हाइपरटोनिया हो जाता है। एटेक्सिया, एटेक्सिया जो होता है वो जो हमारा जो फुल कंट्रोल होता है बॉडी का, वो बॉडी का कंट्रोल जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है, मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल रहता है बॉडी का, वो हम जिस चीज़ को अपनी मसल को यूज़ करना चाहते हैं वो मसल का जो होता है कंट्रोल वो सही से नहीं होता है, वो एटेक्सिया होता है। और उसके बाद एटेक्सिया के बाद आता है एथियोसिस, एथियोसिस जो होता है कंडीशन विच एबनॉर्मल मसल, यानी मसल जो होती है वो एबनॉर्मल टाइप की होती है, कंडीशन विच इनवॉलेंट्री यानी राइटिंग मूवमेंट जो होता है, यानी अगर हम किसी चीज़ को लिखना शुरू किया तो लिख ही नहीं पा रहे, हाथ जो है वो एबनॉर्मली वर्क कर रहा है, यानी हमारा जो अगर हमें ए भी लिखना है तो ए वो इधर उधर पेन होता रहेगा, वो हम सही से नहीं कर पाएंगे, वो एथियोसिस होता है। विजन इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट होता है जो आंखों से रिलेटेड इम्पेयरमेंट होता है, 10% दिखना, 30% दिखना, 50% दिखना, 70% दिखना, अलग अलग विजन इम्पेयरमेंट की अलग अलग कैटेगरी होती है। एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आप जानते ही हैं, जैसे थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी जो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, यानी अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी बहुत से हैं, बहुत ढेर सारे हैं, यानी बहुत रेंज होती है, और इन रेंज को अलग अलग कैटेगरी में बांट के तब ये स्पोर्टिंग इवेंट्स उनके कराए जाते हैं। अगर इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट ले लीजिए, अगर किसी का 30% है तो सब 30% वाले ही लिए जाएंगे, तब उनका इवेंट कराया जाएगा वो चीज़। 50% वाले हैं तो 50%, लेग शॉर्टनिंग वाले, पैर बड़े छोटे वाले, तो फिर उनका होगा एक साथ, मतलब ये नहीं कि एक का पैर ही नहीं है तो बाकी लेग शॉर्टनिंग है ना, जो लेग शॉर्टनिंग वाले तो लेग शॉर्टनिंग, जिनका एक पैर है तो एक पैर वाले, सब इस तरह होता है। पैरालंपिक गेम्स आर रिकग्नाइज्ड इन पैरेलल विद द ओलंपिक गेम्स, व्हाइल द IOC रिकग्नाइज स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स इंक्लूड एथलीट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, एंड द डीफलिंपिक्स इंक्लूडेड डीफ एथलीट्स, यानी पैरालंपिक गेम्स जो है ऑर्गेनाइज हुए हैं, जो वो पैरेलल ही काम करते हैं, हमारी ओलंपिक गेम्स के साथ ही चलते हैं, ठीक है। व्हाइल द IOC रिकग्नाइज्ड, IOC ने रिकग्नाइज किया फिर स्पेशल ओलंपिक्स को भी वर्ल्ड गेम्स इंक्लूडेड एथलीट, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन जो होते हैं वो तो पार्ट लेते हैं, साथ में इनके साथ एक और होता है, वो है डीफलिंपिक्स, यानी डीफ लोग का जो कान से सुन नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, उनके लिए भी ये है, उनके में भी कैटेगरी होगी, 10%, 20%, 30%, 40%, उनकी कैटेगरी के भी अलग चलेगा कि। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इटली इन 1960, पहला पैरालंपिक गेम, जो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो हेल्ड हुआ था 1960 में हुआ था इन रोम, जो इटली देश में है। The wide variety of disabilities that Paralympics athletes have there, the are several categories in which the athlete compete. वही मैंने बताया ना, इसमें बहुत ही disabilities में
बहुत ही वैरायटी, बहुत ही बड़ी सेवरल कैटेगरी है। इस सेवरल कैटेगरी में ही एथलीट आपस में कंपीट करते हैं। द अलाउबल डिसेबिलिटीज आर ब्रोकन डाउन इंटू 10 एलिजिबल इम्पेयरमेंट टाइम। अब आप अलाउबल जो अलाउ हैं डिसेबिलिटी, वो भी ब्रोक डाउन करी गई हैं 10 तरीके की एलिजिबल इम्पेयरमेंट में, यानी उनको भी ब्रोक डाउन किया गया है 10 टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी के, उसमें अलग अलग उसमें हिस्सों में रखा गया इनको। इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी आईपीसी इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक्स मूवमेंट। ये आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है वो किसके अंडर में, ग्लोबल गवर्निंग किसके अंडर में काम करती है, वो हमारी करती है द बॉडी द पैरालंपिक मूवमेंट के अंदर, ठीक है। आईपीसी ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है जो कि हमारी ग्लोबल गवर्निंग बॉडी जो है पैरालंपिक्स मूवमेंट, उसी के अंडर उसी के काम करती है। इट हैज़ 22 स्पोर्ट्स इवेंट, ये 22 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं एट द 2016 रियो ओलंपिक्स, रियो पैरालंपिक्स, लाइक आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉसी, बॉसी जो गेम होता है इनका, बॉलिंग गेम होता है जो नियरेस्ट बॉल को पहुंचाने का गेम होता है, ये इनका बॉल वाले गेम होता है, डिफरेंट कलर की बॉल होती हैं बड़ी बड़ी, वो खेला जाता है, छोटा सा कोर्ट होता है उसी में ही खेला जाता है। पैरा कैनोई, पैरा कैनोइंग होती है इनकी, पानी साइकिलिंग कैनोइंग वो होती है जो पतली सी नौका होती है, वो पैरा कैनोइंग होती है। साइकिलिंग होती है, इक्वेस्ट्रियन, ये इक्वेस्ट्रियन जो होता है ये घुड़सवारी से संबंधित गेम होता है, इसमें स्पोर्टिंग इवेंट होते हैं, हॉर्स राइडिंग जिसे कहते हैं। फुटबॉल फाइव अ साइड, फुटबॉल सेवन अ साइड, फुटबॉल फाइव साइड वाली भी होती है, सेवन साइड वाली भी होती है। गोल बॉल, जूडो, पैरा ट्राइथलॉन, गोल बॉल होता है, जूडो होता है, पैरा ट्राइथलॉन होता है, तीन तरीके के मिक्स एथलेटिक इवेंट होते हैं। पावर लिफ्टिंग, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर फेंसिंग, व्हील चेयर रग्बी एंड व्हील चेयर टेनिस, इतने टाइप के 22 इवेंट्स जो हैं ये इनके स्पोर्टिंग इवेंट इन सभी डिसेबल पर्सन्स के अलग अलग तौर पे कराए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो ये होता है आपका पैरालंपिक्स। अब नाउ योर अब शुरू होता है स्टार्ट स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल वॉज स्टार्टेड बाय यूनिक कैनेडी श्रीवर, ये जो जिसने ये शुरू करी थी इस स्पेशल ओलंपिक्स की नींव डाली थी, वो नींव डाली थी यूनिक कैनेडी श्रीवर, वो जो थी सिस्टर ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जॉन एफ कैनेडी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे यूनाइटेड स्टेट के जॉन एफ कैनेडी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, रैली सभा के दौरान, ठीक है, उन्हीं की ही ये सिस्टर हैं। द आइडिया वॉज बॉर्न आउट ऑफ शिवर्स एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज हु वर प्लेस्ड इन कस्टडियल इंस्टीट्यूशंस एज अ रूटीन। अब श्रीवर ने देखा कि हम आम लोग जिंदगी तो बहुत अच्छी जी रहे हैं, हम आम लोग की ज़िंदगी में खेल कूद मज़ा जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग जो हैं जो डिसेबल पर्सन्स हैं, ये स्पेशल पर्सन कहलाते हैं, स्पेशल, ठीक है, इनको अगर पढ़ाना भी हो तो इनके लिए स्पेशल पढ़ाई होती है, उसको स्पेशल एजुकेशन ही कहते हैं लिया जाना, यानी स्पेशल कैटेगरी के लिए स्पेशल एजुकेशन। तो उन्होंने देखा ये बड़े कस्टडियल उसमें रहते हैं, बड़े ही इनके लिए हर चीज़ जो है बहुत ही पिंजड़ों में होती है एक तरीके से, कहने का मतलब अगर ऐसा पर्सन आपके घर में रहे तो फ्रीली तो घर में रहेगा नहीं कि गेट के बाहर चला जा रहा है बाहर चला जा रहा है, वो अंदर ही सिमट के रहेगा, आप उसे हमेशा अंदर रखेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, छत पे नहीं जाने देंगे, क्यों क्यों कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसे इंजरी ना पहुँच जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही उसने देखा कि अगर जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से सही भी थे लेकिन वो बड़े ही कस्टडियल उसमें रखे जाते थे, तो इन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया कि ऐसे लोग जो चीज़ समझ लेते हैं बोल लेते हैं और आपस में बात करते हैं नॉर्मली, तो वो उन लोग को, वो कुछ पर्सन डिसेबल हैं तो उन लोग को क्यों नहीं मौका दिया जाता है आगे आने का, उनको भी खेलने का, उनको क्यों नहीं लोगों के सामने रखा जाता, उनके लिए भी क्यों नहीं स्पेक्टेटर्स ताली बजाते जैसे हम नॉर्मल लोग के लिए बजाते हैं। अगर उनके लिए स्पेक्टेटर्स ताली बजाएंगे या उनको हम किसी गेम में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो उनको, उनकी जो मानसिक बीमारियां, उनकी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा।
क्योंकि सारी चीज़ें जितना अगर मानसिक रूप से हम बीमार हैं और भी ज़्यादा फेडअप होते जाएं, और भी ज़्यादा स्ट्रेस मिले, और भी ज़्यादा टेंशन मिले, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो धीरे धीरे क्या होती, कम होती जाती, और भी ज़्यादा हम पागलपन हमारे अंदर सवार होने लगता है। लेकिन अगर हम खुश रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर्स भी कहते हैं इनको खुश रखिए, इनको जितना हो सके हंसाइए, तो इनकी बीमारी हो सकता है बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों की अगर उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो ऐसे लोग के लिए शिवर ने ये अभियान चलाया। शी वॉज कन्विंस्ड दैट चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कुड बी एक्सेप्शनल एथलीट्स एंड दैट थ्रू स्पोर्ट्स दे कैन रियलाइज देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। सही बात है, अगर हम किसी हमें मौका मिलता है तो हम अपनी पोटेंशियल पावर दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? अगर कोई हमसे कहता है कर लेंगे आप, तो कहते हैं हाँ हाँ कर लेंगे, ठीक है हम आपको एक मौका देते हैं आप करके दिखाइए, तो हम क्या करते हैं उसमें पूरी अपनी जितनी भी समझदारी इच्छा ताकत सब होती सब झोंक देते हैं। ऐसी ये लोग भी करेंगे, ये लोग जब करेंगे तो इनके अंदर भी उस चीज़ से, उस टेंशन, उस स्ट्रेस से हटेंगे दूर, और आगे जिस गेम पे आए हैं उसके बारे में सोचेंगे और उसको ही खेलेंगे। पहली चीज़ तो फिज़िकली फिट रहेंगे, दूसरा चीज़ थोड़ा स्ट्रेस से दूर होंगे, टेंशन से दूर होंगे, थोड़ा जो उनका कस्टडियल रूटीन होता था उससे वो दूर होंगे, वो थोड़ा आज़ाद अपने को महसूस करेंगे, फ्रीडम उनके अंदर रहेगी। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए सोची गई। फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम्स इन शिकागो, पहला स्पेशल जो ओलंपिक गेम्स हुआ था वो शिकागो में हुआ था जुलाई 1968 में। इट इज़ अ मोमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स टू रिफॉर्म द लाइव्स ऑफ डिसेबल पर्संस, यानी उनकी लाइफ को वापस से रिफॉर्म करना, डिसेबल पर्संस की लाइफ को वापस से रिफॉर्म करना, ताकि वो अपनी वापस ज़िंदगी में दोबारा आ सकें, वापस से अपने को वो भी हमारी तरह नॉर्मल महसूस करने कर सकें। ठीक है, इस तरह उन्होंने ये सब चीज़ों की शुरुआत करी। इट गिव्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग टू बिल्ड द इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स स्किल परफेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टैलेंट एंड लीडरशिप एबिलिटी इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्संस, यानी इनके लिए भी रखा कि आप में भी लीडरशिप करने की क्वालिटी, आपके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल पैदा की गई, आपके अंदर भी स्किल परफेक्शन लाए गए, आपके अंदर भी सोशल इंटरेक्शन, यानी सोशल इंटरेक्शन तो जब हम चाहेंगे तभी ये विचारे कर पाएंगे, हम खुद ही इनसे सोशल इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे। इनको उस भीड़ में, उस लोगों के बीच में रखा गया, वेल डन, बहुत अच्छा खेला तुम्हारा, हमने वीडियो देखा, ठीक है, तो इन लोगों को भी समझ में आने लगा कि हम भी, हमारे लिए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, तो इनके लिए भी ये जो चीज़ें हैं थोड़ा हौसला अफजाई करेगी, स्पेक्टेटर्स इनके लिए ताली बजाने लगे, तो इनके अंदर भी उत्साह पैदा होने लगा, उस खेल का जज्बा जो ये खेल कभी जानते नहीं थे, उस खेल का भी जज्बा पैदा होने लगा, और धीरे धीरे वो इस खेल को सही से खेलने लगे। तो ये है हमारा स्पेशल ओलंपिक्स जो डिसेबल पर्संस के लिए था, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत की थी जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर ने, यूनिक श्रीवर कैनेडी ने, जो कि आज भी बहुत ही अच्छे उस पर चल रहा है, आप देखते हैं टीवी पे हमारे ये बहुत से पैरालंपिक्स और हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के चैंपियन रहे, जो इंडिया में हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हैं। ऐसे लोग के साथ हमेशा जो है पोलाइट रहिए, इनके साथ सिंपैथिक एटीट्यूड रखिए, जिससे ये जो हैं आपको अपना करीबी समझें, आपको अपना दोस्त समझें, ठीक है, और इनके हद से हो तो इनकी मदद कीजिए, लेकिन मदद करने से पहले इनसे पूछिए, क्योंकि इनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम डिसेबल हैं तो हमें ऊपर एहसान हो रहा है, तो वो इनसे शेक हैंड्स कीजिए, इनसे मिलिए, इनसे टाइम निकालिए, बात करिए, तो ये लोग भी जो हैं अपने को जो है अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका आज ख़त्म होता है पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। टुमारो ओलंपिक सिंबल टॉर्च, मोटो एंड ओथ। ओके, गुड डे।